का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री इस राज्य की आम जनता पर गोली चलता है और उसको वो जात के आईने से देखते हैं। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले 16-17 वर्षों का सबसे शर्मनाक बयान है। और मुझे लगता है कि अब तक बिहार की राजनीति को 2005 के बाद 2006 में जब से हम लोगों ने जाति राजनीति से निकालकर विकास की राजनीति में लाया था और नीतीश कुमार को उस विकास का परिचायक बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार आज फिर से जैसा संगत वैसा रंगत के नारे के साथ फिर से उन्हीं लोग के साथ जो गए हैं और फिर से वही जातीय दलदल में इस बिहार को ढेलने पीछे ठेलने के लगे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी को राजनीति की दृष्टि से ये उनका सबसे शर्मनाक बयान है और एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है कि जब गोलियां चल रही हैं तो वो देख के नहीं जाती कि किसके शरीर पर लगेंगी। वो आम जनता था, वो चाहे किसी भी कौम का हो, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराहट दिखा रही थी कि उनको इसकी चिंता नहीं थी कि गोलियां चली हैं बिहार की आम जनता पर, उन्होंने इस पर केवल राजनीति करने का काम किया है। मैं तो मुख्यमंत्री जी अगर सवाल खड़ा है तो मुख्यमंत्री तो सबसे गृह मंत्री भी है ना, हिम्मत है तो जांच करे ना, किसने जांच से रोका है मुख्यमंत्री जी को। और साजिश कहेंगे मुख्यमंत्री जी तो जांच कौन करेगा, बाहर का आदमी आकर, बिहार के बाहर के आदमी आके जांच करेंगे। मुख्यमंत्री वो है, विपक्ष का नेता तो जांच नहीं करेगा, मुख्यमंत्री ये गृह मंत्री बने हुए हैं तो जांच तो उनको करना है, तो साजिश की बात कौन कर रहा है। और साजिश है तो सामने लाना चाहिए, मुस्कुराने से नहीं चलेगा। बिहार के लोगों पे गोलियां चल रही है, मुख्यमंत्री मुस्कुराएंगे तो ये नहीं चलने वाला है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक अपराधी जो है, तो वही तो कि 24 घंटे पहले तो ये तय नहीं था कि 2 अपराधी हैं कि 4 अपराधी हैं। उन छोटे मोटे अधिकारियों पे कार्रवाई करके केवल खानापूर्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन जो सही है कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली इसके लिए पूरी दोषी है और कोई दोषी नहीं है। अधिकारी और पदाधिकारी तो बात की बात है, जब सेवक ही मुस्कुरा कर जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो ऐसी घटनाओं पर मुस्कुराकर जवाब दे रहा है, इससे दिख रहा है कि पूरे सरकार की कार्यशैली कैसी है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।